वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी पहुंचे हाँ बैबल कला इंसाफ मोर्चा बैबल कला विखे, जिथे के भाई अमृतपाल सिंह खालसा नज़रबंद करने विरोध वजो बैबल कला हाईवे जाम कर दिता गया। संगत वालों हाईवे जाम कर दिता गया, तुसी देख सकते हो भाई अमृतपाल सिंह खालसा नज़रबंद करने रोष वजो संगत ने बैबल कलां विखे रोड नू जाम कर दिता है। सिख संगत भारी रोष पाया जा रहा है। संगत वालों नैशनल हाईवे नू जाम कर दिता गया है। बैबल कलां बेअदबी इंसाफ मोर्चा ते भाई अमृतपाल सिंह खालसा नू नज़रबंद करने विरोध वजो हाईवे नू जाम कर दिता गया। तुसी देख सकते हो ट्रैफिक दे लाइना लग चुकी हैं, संगतां विच भारी रोष पाया जा रहा है। बाइबल कलां बेअदबी इंसाफ मोर्चा वालों भाई अमृतपाल सिंह खालसा दे हक विच रोड नू जाम कर दिता गया। तुसी देख सकते हो सिख संगतां वड्डे पद्धर ते पहुंच रही हैं। गुरप्रीत सिंह जी सारे मसले ते थोड़ा चढ़ना पाओ संगतां नूं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मसला तो वैसे दसण दी किसे नूं लोड़ नहीं, सोशल मीडिया का जमाना ते लोग सारे सोशल मीडिया नाल जुड़े हुए आ। तुसी सामने एक मोर्चा देख रहे हो, अज 11 महीने हो गए इतने बैठे हूँ, तो पिछले 7 साल हो गए इंसाफ जी से भीख मांगते हैं भी सानू इंसाफ दोषियों को सज़ा दो। साडे गुरु ग्रंथ साहब इन्होंने पाड़ पाड़ के गलियां च खिलारते बेअदबी की, साडे सिंह शहीद किए हैं, पर इन्होंने कन्न से जूनी सरकी। तो जे कोई गड्डी थले आके कुत्ता बिल्ला मर जाए, कोई अभी खहबाजी ना मर जाता, तो वो चक के सिखा के सर जा खालिस्तानी बना के सू पेश कर देते, सिखा सर मर देंगे। हम कल उत्तर सूरी एक प्रधानगी निजी रंजिश के उत्तर मारा जाता वा। तो जे किसी सिंह ने हजार लख लोग इतने अमृतपाल सिंह फोटो करवा के गए, तो जो कोई एक फोटो वायरल हो जाती है तो यह बंदे चक के अमृतपाल सिंह नामजद कर उस गल कर रहे भी असं नामजद करिए केस के। सो बेनती ये आ सारिया संगत भी वो तो वह इतने पहुँचो, तो नहीं अपनी धौन से गोडा रह रहा के सारा मरोड़न, क्योंकि सानू इंसाफ नहीं मिलना, साढ़े धक्की होने वो कर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिवें तुहानूं पता ही है कि कल दा पंजाब दे विच एक कुछ कु लोकां वल्लों माहौल खराब करन दे नाते काफ़ी हुलड़बाजी की जा रही है, तो मैं इत्थे थोड़े समय दे विच बेनती ही करदा कि वध तों वध संगत जिन्नी आ, जिन्ने मेरे नौजवान वीर नेड़े दे पिंडां दे आ, वध तों वध बैवल कलां पहुँच सकदे आ पहुँचण। गल इत्थे आउंदी आ कि असी 7.5 सालों तों धरने लाई जांदे आ, साडियां तां कदे मंगां नहीं मन्नियां गईयां, असी तां गुरु ग्रंथ साहिब दे लई गोलियां सीने ते खा बैठे हाँ, तो साडियां तां मंगां नहीं मन्नियां गईयां। ये प्रशासन एक बंदे दी खातर जिहदा पंजाब नूं देण ही कोई नहीं आ, गलबात ही कोई नहीं आ, सिखां दे खिलाफ जहर उगलदा है ते सरकार उहनां दीआं मंगां मंनदी आ। सो इत्थों ये साफ स्पष्ट हुंदा कि साडे लई सरकार की सोचदी है। असी पंजाब दे नौजवानां नूं वध तों वध बेनती करदे हां कि जिथे जिथे तुसीं रोड जाम कर सकदे हो रोड जाम करो, वध तों वध पंजाब दे नौजवान नेड़े दे इलाके दे नौजवान बैवल कलां विखे पहुंचो, क्योंकि गल सहे दी नहीं गल पहे दी है। हुण गल आर पार दी इस गल ते हो चुकी आ कि असीं अपने इंसाफ दे लई शांतमई रहीए, ते अगले थोड़े नाल थोड़ू गालां कढ के तुहाडे पुत मारन दी गल करके ते माफी मंगण वी ना, उहनां ते कारवाई वी ना होवे, साडे ते कारवाइयां होण ते साडे नौजवानां नूं घरां दे विच नज़रबंद कीता जावे, इह कित्थों दी डेमोक्रेसी है। सो असी थोड़े समय के नौजवानों को यह बेनती करते हैं कि वध तो वध बैवल कलां विखे पहुंचन, मोर्चे के उत्ते बेअदबी के लिए रोड से धरने ला रहे हैं, वो तो कोई गल ही नहीं करते। सो सरकार नूं चेतावनी आ पुलिस प्रशासन नूं इस गल की कि तुसीं माहौल खराब करने लई आप राह सरजदे हो। असीं पंजाब के नौजवानों का इस गल के लिए साथ मंगते हैं कि आओ वाकई हुण साडे एके की लोड़ है, साडे इकट्ठ की लोड़ है कि असीं बेअदबी नूं लैके अणमिते समय लई जिहड़ा रोड बंद करांगे, तुसीं एक गिरफ्तारी दे लई करदे हो,
असि अणमिते समय लई बेअदबी ते गोलीकांड दे लई रोड जाम कर लग्या। सो वध तो वध नौजवान जिहड़े बहन कला मोर्चे दे विच पहुंचण। वाहिगुरु जी का खालसा।